गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग अपना संकल्प के चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आपके सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को इसी प्रकार देखते रहें और मैथ का क्लास इसके द्वारा आप इंटर के मैथ को समझें, और जहां भी आपको परेशानी हो तो अपने कमेंट में जरूर डालें कि आपको क्या कठिनाई हो रही है, ताकि हम उसको दूर करने का प्रयास करें। इसी प्रकार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह जो अभियान है, शिक्षा की लौ है, वह दूर दूर तक फैले और सारे लोग, समाज इससे लाभान्वित हो सके। तो हम लोग आव्यूह पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। आज हम लोग आव्यूह के प्रकार के बारे में सीखेंगे। जो प्रमुख प्रकार है उसको हम लोग आज जानेंगे। तो जो पहला जो आव्यूह का प्रकार है वह है वर्गाकार आव्यूह, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहा जाता है जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। जब कोई चीज, हम जानते हैं कि वर्ग की जो भुजा होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, उसी प्रकार जब एक आव्यूह, जैसे यहां 1, 2, 3, 4, यह जो आव्यूह है यह 2×2 कोटि का आव्यूह है और इसमें दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ हैं, तो जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाएगी तो उसे वर्गाकार आव्यूह कहा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ए बराबर, या जो कोष्ठ में ए आई जे एम गुना एन, यानी एम गुना एन कोटि का यदि आव्यूह है तो यह वर्ग आव्यूह होगा। कब? जब एम बराबर एन होगा। इसमें अन्य ऑप्शन रहेंगे कि एम बड़ा है एन से, एम छोटा है एन से, और इनमें से कोई नहीं। तो जब एम बराबर एन होगा, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों के संख्या के बराबर होगी, तो इसको हम लोग वर्ग आव्यूह कहेंगे। तो इससे जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं कि वह वर्गाकार आव्यूह नहीं होगा, तो वह दूसरी कैटेगरी होगी जिसको हम लोग आयताकार आव्यूह या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इससे आप उसको भी समझ सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और जो स्क्वायर नहीं है वह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब अगला जो आपका प्रकार है आव्यूह का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग आगे जब सवाल को पढ़ेंगे तो इसमें यह बार बार उपयोग में आएगा, और वह है इकाई या तत्समक आव्यूह, जिसको हम लोग यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यह जो आइडेंटिटी शब्द है, तत्समक शब्द है, वह पहले भी हम लोग प्रयोग कर चुके हैं। यहां पर आइडेंटिटी शब्द से आई आता है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, यानी तत्समक आव्यूह को, आई से व्यक्त किया जाता है। जैसे दूसरी कैटेगरी का जो आई होगा, दूसरी कैटेगरी का जो दूसरा, जो आपका कोटि का जो आपका तत्समक आव्यूह होगा उसको आई टू से व्यक्त करेंगे। जैसे यहां पर 1, 0 और 0, 1 है, तो तत्समक आव्यूह की परिभाषा है कि वह एक वर्ग आव्यूह हो जो जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो। यह जो विकर्ण है आपका, आपको पता है डायगोनल यह होता है, तो यह जो विकर्ण है तो मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि डायगोनल जो है, विकर्ण है, वह एक है, तो मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो एवं अन्य सभी अवयव शून्य जब होता है तब उसको तत्समक आव्यूह कहते हैं। विकर्ण के अवयव एक है और अन्य सभी स्थान के अवयव जो है वो शून्य है, तब इसको हम लोग तत्समक अवयव, तत्समक आव्यूह कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो तीसरे प्रकार का जो आव्यूह है वह है समान आव्यूह। तो समान आव्यूह यानी इक्वल मैट्रिक्स, इसमें आता है कि वैसे तुल्य आव्यूह। तो तुल्य आव्यूह किसको कहेंगे उसको भी हम लोग समझ लें। जब दो आव्यूह इस प्रकार हो कि उनकी कोटि बराबर हो, यानी 2×3 कोटि का यदि कोई आव्यूह है और दूसरा कोई आव्यूह भी 2×3 कोटि का आव्यूह है, तो वो दोनों आव्यूह तुल्य आव्यूह कहे जाएंगे, जब उनकी कोटियां समान हो। तो वैसे तुल्य आव्यूह जिसके संगत अवयव समान हो, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, संगत अवयव जब बराबर हो जाते हैं तुल्य आव्यूह को, तो उसको हम लोग समान आव्यूह कहते हैं। इस समान आव्यूह को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। समान आव्यूह के सवाल को समझने के लिए एक उदाहरण हम लोग देखें कि समीकरण इतना बराबर इतना है से
ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के और भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, लेकिन जब यदि आप एक सवाल को समझ लेंगे तो इस तरह अन्य सवाल को भी आप हल कर पाएंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि सॉल्यूशन में लिखते हैं कि चूंकि दोनों आव्यूह समान आव्यूह है, कैसे पता चला? यहां पर जो इज इक्वल टू का साइन है यह व्यक्त करता है कि दोनों आव्यूह समान आव्यूह है, और जब यह समान आव्यूह है तो इसका संगत अवयव बराबर होगा। तो संगत अवयव को बराबर करने पर, संगत अवयव का क्या मतलब होता है वो देखिए, यहां पर A11 का पोजीशन और यहां पर A11 का पोजीशन, यह संगत अवयव कहलाएगा और यह दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे कि A-B बराबर -1, उसी तरह 2A-B बराबर 0 और 2A+C बराबर 5 और 3C+D बराबर 13। यह जो संगत अवयव है इसको हम बराबर करेंगे और इसको क्रमशः 1, 2, 3 और 4 समीकरण के द्वारा व्यक्त करेंगे, दिखलाएंगे। तो अब आपको ABCD का मान ज्ञात करना है। तो जैसे हम लोग पहले भी करते आए हैं नीचे के क्लास में, आपको समीकरण हल करना है। तो समीकरण हल करने के लिए समीकरण दो में से एक को घटाते हैं, जब यह घटाएंगे तो 2a में से a घटने पर a आएगा और यहां -b होगा, और जब इसको घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल के +b हो जाएगा, तो -b और +b कट जाएगा और इसमें से इसको घटाने पर यह चिन्ह बदल के +1 आ जाएगा, यानी a बराबर 1 होता है। और जब a का मान हमको प्राप्त हो जाएगा तो a का मान समीकरण दो में रखेंगे हम, तो हम लिखेंगे समीकरण दो से यहां पर दो में 2 into a का वैल्यू 1 पुट करेंगे और -b = 0 आता है। यह -b जब उधर जाएगा तो +b होगा और यहां 2 into 1 = 2 होगा, तो हमको b का भी मान पता चल गया, तो a और b का मान हमारा निकल गया। फिर a का मान जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो c का मान निकलेगा जो होगा 2 into 1 + c = 5, यानी c बराबर 5 और 2 into 1 = 2, उधर जाएगा तो -2 और 5 में से 2 घटने पर 3 आता है। उसी प्रकार c का मान जो निकला है उसको जब हम समीकरण 4 में रखेंगे तो यहां होगा 3 into 3 जो c का मान था + d = 13, यानी कि d बराबर 13 - 9 = 4। अब आव्यूहों पर संक्रियाएं हम लोग सीखें कि किस प्रकार आव्यूह की संक्रिया होती है, जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब जो प्रक्रियाएं हैं उसको संक्रियाएं कहा जाता है, ऑपरेशंस कहा जाता है। तो हम एक एग्जांपल से देखें कि यदि a बराबर a b c d तथा b बराबर e f g h इस प्रकार के दो आव्यूह हों तो आव्यूह का योग क्या होता है। तो आव्यूह का योग यानी उसको हम लोग व्यक्त करेंगे a + b से, और क्या करना है कि संगत अवयवों को जोड़ना है। मतलब यहां पर जो पोजीशन है उसका संगत अवयव e है तो a को e के साथ जोड़ेंगे a + e। उसी प्रकार b का संगत अवयव f है तो b को f के साथ जोड़ेंगे यानी b + f, और उसी तरह C को G के साथ और D को H के साथ जोड़ेंगे तो यह आव्यूहों का योग कहलाएगा। यह जो है आसान है, यह कठिन नहीं है। उसी तरह जब आव्यूह का अंतर निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, इसको A - B से व्यक्त किया जाता है, और जिस तरह से यहां प्लस का चिन्ह था उसी प्रकार यहां माइनस का चिन्ह देंगे, तो इसको हम लोग आव्यूह का अंतर या A - B इस प्रकार निकालेंगे। लेकिन जब आव्यूह का गुणा निकालना होगा तो इसमें आप लोगों को विशेष रूप से समझना है, इसमें कुछ नई बातें हैं जो आप लोग अभी तक नहीं सीखे होंगे या नहीं जाने होंगे। तो ध्यान देंगे कि जब आव्यूह का गुणा, जिसको a * b कहा जाता है या उसी को हम ab से व्यक्त करेंगे, वो किस प्रकार निकलता है। तो आप ध्यान दें कि आव्यूह का गुणा करने के लिए जो पहला आव्यूह है उसकी पहली पंक्ति और जो दूसरा आव्यूह है उसका पहला कॉलम, यह दोनों को ध्यान में रखना है। और किस प्रकार गुणा करेंगे वह ध्यान रखेंगे, इसका पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब इसका जो पहला पंक्ति का जो पहला सदस्य है इसका पहले स्तंभ के पहले सदस्य के साथ गुणा होगा, तो ए का गुणा होगा ई के साथ, तो यहां लिखेंगे ए ई। और फिर
प्लस का साइन डालेंगे और प्लस के साइन डालने के बाद इसका जो पहले पंक्ति के जो अन्य सदस्य है उसका पहले स्तंभ के अन्य सदस्य के साथ गुणा होगा, यानी बी का गुणा जी के साथ होगा और इसको लिखेंगे बी जी, यानी ए ई प्लस बी जी। फिर ध्यान दीजिए, उसी प्रकार यह जो पहली पंक्ति थी उसका दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई होगा उसी प्रक्रिया से, यानी ए का गुणा होगा एफ के साथ और बी का गुणा होगा एच के साथ और बीच में प्लस का साइन लगेगा। पहली पंक्ति लिया, पहले स्तंभ के साथ गुणा किया, यहां लिखा, फिर पहली पंक्ति लिया, दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई किया और यहां लिखा। फिर जब यह दोनों प्रक्रिया हो जाएगी तो तब उसके बाद दूसरी पंक्ति को लेंगे और वही प्रक्रिया अपनाएंगे, यानी सी का ई के साथ, यानी दूसरी पंक्ति का अब पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सी का ई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां लिखे सी ई, और फिर डी का जी के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो यह हो गया डी जी और बीच में प्लस का साइन। फिर दूसरी पंक्ति क्या, दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, यानी कि सी एफ और प्लस डी एच। इस प्रकार आपको गुणा की प्रक्रिया पूरी होगी। यदि यह दो गुणा दो आव्यूह है, यदि तीन गुणा तीन आव्यूह रहेगा तो इसी प्रकार से करेंगे, पहली पंक्ति फिर पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, प्रक्रिया वही होगी। हम लोग आगे भी और उदाहरणों के साथ इसको समझेंगे। अब है आपको कि अदिश राशि से गुणनफल, तो जब किसी आव्यूह को अदिश राशि यानी कोई कांस्टेंट राशि के साथ गुणा करेंगे तो वह जितने भी अंदर वाले अवयव हैं सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे के है यहां पर और अंदर में आपका ए बी सी डी चार सदस्य है और गुणा करना है अदिश राशि से, तो के का मल्टीप्लाई ए के साथ भी होगा, के का मल्टीप्लाई बी के साथ भी होगा, सी के साथ और डी के साथ, यानी जितने भी अवयव अंदर में रहेंगे सभी के साथ आपका के का मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों इस प्रकार हम लोग आज आव्यूह में कुछ चीजें सीखे, इसी प्रकार आप लोग इसके एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएं और नए प्रश्न को हम लोग अगले दिन सीखेंगे।